यहाँ जब भी थोड़ा बहुत बारिश होती है, ये नाला तो सारे ब्लॉक है, तो पानी इकट्ठा हो जाता, दुकानों में बढ़ जाता, बेसमेंट में बढ़ जाता 5 फुट। प्रशासन को, MLA को, सबको मैंने लिखत में एप्लीकेशन दे रखे। काफी सालों से हम बोल रहे हैं, कंप्लेंट भी हमने डाली हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कहती थी। ये देखो आप, आपके सामने है पानी भरा हुआ। सोना में हुई 10 मिनट हल्की बारिश ने उस समय स्थानीय विधायक व प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी, जिस समय 10 मिनट की बारिश से ही सोना का अधिकतर इलाका तालाब में तब्दील हो गया तो कुछ इलाका दरिया बन गया। इतना ही नहीं, दुकानों के अंदर 5-5 फीट पानी भी भर गया। दुकानों के अंदर पानी भरने से जहां दुकानदारों का लाखों रुपए का सामान खराब हो गया, वहीं दूसरी तरफ दुकानदारी भी चौपट हो गई। ये हम नहीं बल्कि वो पीड़ित दुकानदार कह रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद ही सुन लीजिए। सनी मार्केट में मेरी दुकान है और यहाँ जब भी थोड़ा बहुत बारिश होती है, ये नाला तो सारे ब्लॉक है, तो पानी इकट्ठा हो जाता, दुकानों में बढ़ जाता, बेसमेंट में बढ़ जाता 5 फुट। प्रशासन को, MLA को, सबको मैंने लिखत में एप्लीकेशन दे रखे, SDM को भी, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी भी कल परसों मैंने थोड़ी बारिश हुई, जब भी मैंने प्रशासन को आगावत करवाया, व्हाट्सएप वाले सारे नंबर दिए, JEE को, PWS वाले को, उन्होंने आज तक कोई सफाई नहीं करी है। बस फोटो खिंचवा के थोड़ा सा निकलवा के और कहते सफाई होगी, आज तक कोई नहीं। और यही कारण है कि यहाँ पे आप भी लाखों आदमी का, लाखों रुपए का नुकसान होगा जो ये पानी भरा दुकानों के अंदर। कितने दिन से समस्या है? समस्या ये करीबन 5 सालों से है, अभी तक कोई इसका नजर सुनवाई नहीं है। और विकास के नाम पे बोलते हैं कि बस हो गया, आज तक नहीं हुआ। यहाँ पे 10 मिनट बारिश हो जाती, सारा पानी दुकानों का आगे जमा जाता है और दुकान में चला जाता है। अच्छा, कई बार कंप्लेंट कर दी पर कोई सुनवाई नहीं होती। कितने दिन से समस्या आई? ये जी कई सालों से है। समाधान में आगे पानी जाता नहीं है, कोई सफाई नहीं करता, उसका सारा ब्लॉक है। पानी रोड में होता है, 2-4 घंटे में खाली हो पाए कम से। तो विधायक जी, सुना आपने। खैर, वैसे भी आपको विधानसभा वासियों की आवाज सुनाई ही कहां देती है, क्योंकि सोना की समस्याओं पर आपका ध्यान ही कहां है, क्योंकि फोन आप किसी का उठाते नहीं और सोना आप रहते नहीं, तो शायद अगले चुनावों तक तो सोना वासियों को इन समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि बरसाती पानी निकासी के लिए कागजों में हर साल नए नाले ना बनाए जाते हों और पुराने नालों की सफाई पर लाखों रुपए की राशि ही खर्च ना की जाती हो, लेकिन उसके बावजूद भी सोनावासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। अगर हम ऐसा कहें कि अधिकारी सोना में विकास कार्यों के नाम पर जमकर मलाई मार रहे हैं और विधायक जी जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं, तो शायद गलत नहीं होगा। और विधायक जी, ये सोना की जनता खूब जानती है कि आपकी आंखों पर जो चश्मा लगा है उसका राज क्या है, इसलिए जनता वोट की चोट से अपना जवाब अच्छी तरह से देना जानती है और अब वो समय ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ी सी बारिश में ही नाला भर जाता है जी। अच्छा, हाँ जी। और स्कूल के बालक भी फंसे हुए हैं, आधी गाड़ी भर जाती, पूरी डूबी पड़ी है जी सर। जी, तो ये कब से ऐसा हाल है? जब भी बारिश में होता है सर, पूरा ऐसे ही हो जाता है, परेशानी होती है। अब देख लीजिए बच्चे, ये पूरा भरा हुआ है, दुकान तक पानी भरा हुआ है। अच्छा, दुकान के अंदर तक जा रहा है सर। तो हमेशा ऐसे ही रहता है? हाँ जी, जब भी बारिश होती है थोड़ी सी में ही भर जाता है ये। भारद्वाज, मैं मैकेनिक हूँ, मेरी वर्कशॉप है। यहाँ हमें बहुत परेशानी होती है, काफ़ी सालों से हम बोल रहे हैं, कंप्लेंट भी हमने डाली हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कैसी भी। ये देखो आप, आपके सामने है पानी भरा हुआ है। इधर बेचारे बाइक वाले हैं, बच्चे जाते हैं स्कूल, वो कैसे निकले यहाँ से, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। नाले सारे ब्लॉक हुए पड़े हैं, कोई कैसी भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अब हमें यहाँ के लिए सुधार चाहिए। विधायक जी, जो आपने अभी तक सुनी वह एक कड़वी सच्चाई थी, जिसे सुनने के बाद आप थोड़ी देर के लिए बेचैन तो जरूर होंगे, लेकिन अब जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। ये तस्वीरें आपके उस कस्बा सोहना की हैं, जिसने आपको चुनाव जीताकर चंडीगढ़ विधानसभा में सोहना का नेतृत्व करने के लिए भेजा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सोहना का अस्पताल रोड, दिल्ली अलवर रोड, अंबेडकर चौक, तिकोना पार्क के अलावा सामान्य बस स्टैंड, सिटी पुलिस थाने को 10 मिनट की बारिश ने लबालब कर दिया। और जब मानसून आएंगे तो सोहना का क्या हाल होगा, शायद इसका अंदाजा आपको नहीं है। तो विधायक जी, शायद आप सोहना के बरसाती पानी की निकासी तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन सोहना वासियों पर एक रहम जरूर कर देना। आप बरसाती सीजन में 2-4 नाव जरूर दे देना, क्योंकि स्कूली बच्चे कम से कम इन नावों में सवार होकर स्कूल तक तो पहुंच जाएंगे। वैसे भी बच्चे देश का भविष्य होते हैं, आप इनके लिए इतना तो कर ही दीजिए।
क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्कूली बच्चे अपने कंधे पर किस तरह से इस मलमूत्र वाले गंदे पानी से निकल कर जा रहे हैं। पानी के अंदर मोटरसाइकिल और गाड़ियां डूबी हुई हैं। सड़क मार्ग पर बरसाती पानी जमा होने से जाम लगा हुआ है। लोगों को बाजार से सामान खरीदना दुभर हो रहा है। लेकिन इन समस्याओं का समाधान विधायक जी आप तो कराएंगे नहीं, लेकिन अब देखना इस बात का होगा कि प्रदेश के मुखिया का ध्यान सोहना की तरफ जाता है या नहीं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।